आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में रांची हाई कोर्ट में आज सुनवाई की गई। इस मामले में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने विभाग के प्रधान सचिव के जरिए पूरी रिपोर्ट कोर्ट में देने को कहा है। हाई कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में 5 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। दरअसल जेल में रहते हुए लालू प्रसाद यादव रांची रिम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं और पिछले दिनों बिहार के एक बीजेपी विधायक को लालू यादव की तरफ से फोन किए जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद सियासी हड़कंप मच गया था। मामले में झारखंड हाईकोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इसे बेहद गंभीर बताते हुए लालू प्रसाद के मामले में सरकार से जवाब तलब किया है। मामले को तूल पकड़ने के बाद लालू यादव को रिम्स के डायरेक्टर के बंगले से वापस पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। लालू यादव के विरोधी ये आरोप लगाते रहे हैं कि झारखंड की हेमंत सरकार जेल में रहते हुए आरजेडी सुप्रीमो को तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही है। जेल मैनुअल का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और लालू प्रसाद यादव यहां कर इलाज के नाम पर अपना दरबार सजा रहे हैं। अब अगली तारीख पर प्रधान सचिव की तरफ से कोर्ट में जवाब दिया जाएगा।